वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू सोयाबीन करी। मैंने सोयाबीन को पानी में अच्छे से भिगो के रख दिया है और साथ में एक बड़ा आलू काट के चौकोर टुकड़ों में पानी में रख दिया है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए रखूंगी। मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब मैं सोयाबीन को और आलूओं को एक सीटी आने तक बॉईल करने के लिए रख दूंगी। मैं साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। इसे अब मैं बंद कर दूँ। हमें एक सीटी आने तक इसे पकाना है। अब मैंने दो टमाटर ले लिए हैं और एक प्याज लिया है। मैं इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसको रेडी कर लूँ। मैंने सोयाबीन को बॉयल होने के बाद ठंडे पानी में डाल दिया था और अच्छे से इसका पानी निचोड़ के उसको अलग से निकाल लिया है। मैंने आलू को सेपरेट कर लिए हैं, टमाटर और प्याज को ग्रेट करके रख लिया है और अदरक लहसुन को पानी के साथ पेस्ट बना के रखा है। अब हम आगे बनाना। मैंने पैन गरम कर लिया है। अब मैं उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालूँगी। तेल गरम हो गया है। अब मैं उसमें जो बॉईल किए हुए सोयाबीन है इसे हमें थोड़ी देर फ्राई करना है। इसका हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब मैं उसी पैन में और थोड़ा सा तेल डालूंगी ग्रेवी बनाने के लिए। तेल गरम हो गया। अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी और दो तेज पत्ते। जैसे जीरा थोड़ा फ्राई हो जाता है सबसे पहले हम जो अदरक और लहसुन को मैंने पानी से पीस के रखा था वो डाल देंगे। जब तक प्याज और टमाटर फ्राई हो रहे हैं तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच जितना धनिया पाउडर डाला है, और चीनी और दही से घोलूंगी। ये दो चम्मच दही देके मैं इसको घोल के तैयार कर लूंगी। ये एक मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। प्याज टमाटर का पेस्ट काफ़ी फ्राई हो चुका है। अब मैं जो मैंने पेस्ट बनाया था गरम पाउडर मसाले का दही से उसे मैं डाल के और थोड़ी देर इसे चला लूँगी। इसे भी अच्छे से मैं फ्राई होने देना है। मैं थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ ताकि वो मसाला जितना भी लगा हुआ है वो सब इस्तेमाल में आ जाए। इसे हमें और थोड़ी देर पकाना है। अब मैं इसमें जो हमने फ्राई किए सोयाबीन और आलू रखे थे वो सब डाल दें। और साथ में दो हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ ताकि जिसको ज़्यादा तीखा पसंद है वो हरी मिर्च का प्रयोग कर सके।
इसे हमें अच्छे से मिक्स करके कुछ देर के लिए ढक के रख देना है। अब बारी है, इसमें मैं थोड़ा सा गरम पानी डालूंगी, थोड़ा इसे ग्रेवी देंगे बनाएंगे इसके, और नमक डाल के इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जब भी ग्रेवी बनाए उसमें गर्म पानी डालने से उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं इसको सिम आंच में ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। अब मैं लास्ट में इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला मिलाऊंगी, आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं, इससे इसकी खुशबू और स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। बनके तैयार है, ये रेडी टू सर्व है। आलू सोयाबीन करी बनके तैयार है। प्लीज़ ट्राई एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।